तो 2024 की शुरुआत से पहले आपके लिए टॉप 10 फेसलेस चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हो, पॉलिटिकल हिस्ट्री, करेंट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इन पे तुम बना सकते हो वीडियो। जैसे कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में आज दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, सो अपडेट आप गूगल में जाके कहीं भी सर्च कर लो, सो आर्टिकल पढ़ सकते हो या अपडेट आता रहता है, तो उन पे आप वीडियोज बना सकते हो। करंट गवर्नमेंट में आप बना सकते हो कि ये नौकरी का ये अपडेट आया और ये कार्ड का ये आया, पैन कार्ड का, ऐसा कुछ बना सकते हो। सो अपडेट आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है रायता, ठीक है। इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स में स्टेटस में ये बता सकते हो कि भाई हमारे इंडिया की ग्रोथ इतनी है, चाइना की इतनी है, जापान की इतनी है, अमेरिका की इतनी है, इनके पास इतने लड़ाकू विमान है, हमारे पास इतने हैं, तो ऐसे ग्रोथ जीडीपी जो हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बना सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे कैसे हैं, सो वो दिखा सकते हो। कोई ग्लोबली रूप से यहाँ पे एक अपना चैनल बना सकते हो, क्योंकि लोग ग्लोबली रूप में देखना चाहते हैं कंपेयर करके। सो आर्टिकल में आपको गूगल में सर्च करके मिल जाएगा और चैट जीपीटी से भी आप सहायता ले सकते हैं। दूसरा है आपके सामने ये बुक रिव्यू। बुक रिव्यू में यहाँ पे स्पिरिचुअल बुक देख रहे हैं आपको, जैसे कि श्रीमद् भागवत और भगवद गीता, ये और श्रीमद् भागवत और ये वेद। तो इसमें आपने चैनल देखे होंगे जो सिर्फ जैसे कि वो वेद में कुछ भी ऋग्वेद या सामवेद या अथर्ववेद या यजुर्वेद में कुछ किसी भी वेद में नॉलेज दे रहे हैं, तो उसमें आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे तो उतनी ही नॉलेज होगी, तो उसी प्रकार से आप शॉर्ट बना पाएंगे, तो इससे स्पिरिचुअल आपका चैनल तैयार हो जाएगा। इसमें आप बुक्स पहले रिव्यू करिए कि इस बुक्स में ये चैप्टर में ये दिया गया, भगवद गीता में इतने नंबर अध्याय में, इतने नंबर चैप्टर में इतने ये सब बातें लिखी हुई हैं, तो ये सब जो है ना शॉर्ट में आप जानकारी दे सकते हैं, तो ऐसा करके। और ये चीज़ आपको करना कैसे है, इसके वीडियो मैंने कई बार बनाए हैं। जैसे कि आपके पास स्क्रिप्ट मिल गई, सबसे पहले आपको पहले नंबर स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। स्क्रिप्ट इन्हीं से मिलेगी, चाहे आप वेद से ले लें, चाहे आप भगवद गीता या पुराने कहीं से जो भी चैप्टर तुम्हें लग रहे, मान लो कि किसी चैप्टर में भगवद गीता में 7वें नंबर अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बात की है, ठीक है, तो उन श्लोकों को लग करके आप स्क्रिप्ट बनाएंगे। हिंदी में स्क्रिप्ट आप लिखेंगे, पहले स्क्रिप्ट, फिर जब आपकी स्क्रिप्ट मीन्स होती है आपकी कहानी या टॉपिक उसे कह सकते हो, वो तैयार हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, उसको आप दो चार बार पढ़ के तो वॉइस ओवर कर सकते हो। एक काम और कर सकते, या तो खुद वॉइस ओवर करें या फिर आप 11 लैब में चले जाएं। 11 लैब ही सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको $1 पेड करके आपको वहाँ पे प्रीमियम वर्जन मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप अगर बोलना नहीं आता तो कर सकते हो। जब ये ऑडियो तैयार हो जाएगी तो आप एडिटिंग में जाएंगे। एडिटिंग में मैं आगे चल के भी बता दूंगा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सो सीख लेना उनको, और वो बिल्कुल ईजी है, यूट्यूब पर बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, ठीक है। एडिटिंग में जाएंगे, एडिट ऑप्शन, एडिट में जाने के बाद जब ऑडियो वहाँ ले जाएंगे तो उसमें जो बोला गया है स्क्रिप्ट में, ये फर्स्ट नंबर जो सिर्फ स्क्रिप्ट है इसमें जो बोल रहे उसी हिसाब से आपको ऑडियो ऑडियो में क्या करना है, वीडियोज लगाने हैं और फोटो, समझ रहे, ये कार्य करना है। तो ये बुक रिव्यू इस तरीके से कर पाओगे, ये तुम्हारा प्रोसेस है बुक रिव्यू का। ये बुक रिव्यू में चले स्क्रिप्ट, फिर वॉइस ओवर, फिर वॉइस ओवर खुद या 11 लैब से, या इसके बाद एडिट में जाओ। एडिट में वहाँ पे बहुत आसान है, जब आप करेंगे तो ये शॉर्ट जब बनाएंगे तो वहाँ पे ये तुम समझ लो कि 30 मिनट लगते हैं ये सब करने में, और एक शॉर्ट एक बहुत बिंदास शॉर्ट, वो भी इफेक्ट के साथ बना हुआ, जिसमें आपको ये नहीं बताया था कि इफेक्ट हर वीडियो में इफेक्ट, कुछ इफेक्ट और कुछ ट्रांजिशन आपको लगाने हैं, समझ रहे, ट्रांसिशन आपको लगाना है, तो इनसे तैयार कर लिया जाए। ये तीसरा आपका चैनल आइडिया, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि रिव्यू तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं फ़ोन का, लेकिन आप कंपेयर रिव्यू निकालें। क्या कौन सी कंपेयर रिव्यू, शुरुआत में क्या करो, इनकी नॉलेज पढ़ो,
नॉलेज क्या करो, जब आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट खोलोगे तो वहाँ एक कंपेयर ऑप्शन होता है, समझ रहे हो। जैसे कि एक फ़ोन तुमने इधर खोल लिया और दूसरा फ़ोन तुमने ये खोल लिया, दोनों एक ही साथ खुल जाते हैं। दोनों के स्पेसिफिकेशन आप पढ़ेंगे और फिर आप बताएंगे, उनको लिख लीजिए एक नोट पैड में। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा नोट पैड में, उसकी स्क्रिप्ट तैयार करें। हर चीज़ की स्क्रिप्ट होती है, जब तक आप लिखेंगे नहीं, स्क्रिप्ट तैयार नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। तब आप बोलना शुरू करेंगे, समझ लो, वॉइस ओवर होगी आइडियो पे, तब आएंगे। इसके बाद एडिट एडिटिंग का काम आता है, तब एडिटिंग होगी, तब इफेक्ट का काम आएगा, जब इफेक्ट लगते हैं सबसे बाद में। अब भाई सब कुछ तैयार हो गया तो इफेक्ट, ये वो सिस्टम सेम वही है सबका। तो कंपेयर उठाया कैमरा उसका है, दोनों के बताए कि इसमें स्टेबलाइजेशन कितना है, उसका कितना है, ये इतने रुपए इसके, इतने वो 5,000 का अंतर है, इसमें 10,000 का अंतर है, ये सब ऐसे करके आपको बताने से वो स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। इनके रिव्यू जब करेंगे धीरे धीरे करोगे आपको अभ्यास हो जाएगा। तो ये था रिव्यू का, ये है आपको प्रोफेशनल एडिटिंग। ये प्रोफेशनल एडिटिंग फ़ोन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीख करके आप एक कंपनी भी खड़ी कर सकते हो। जैसे कि इस तरफ एंड्रॉयड, ये सारा कुछ एंड्रॉयड का डेटा है, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप VN में भी चल जाता है, इनशॉट ऐप, काइन मास्टर, पावर डायरेक्टर, फिल्मोरा गो, कैपकट, ये बहुत ही इजी है और इसके सबके ट्यूटोरियल हैं, मैंने भी बनाए हैं। जैसे काइन मास्टर भी है, वो सबने बनाए तो मेरा भी है, VN पर भी है, इनशॉट पर भी मैंने बहुत अच्छे से बनाया है, कैपकट पर नहीं बनाया, पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जब ये सीख जाओगे, ये एंड्रॉयड में सब चलते हैं, सारे एंड्रॉयड में चलते हैं। इसके बाद ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इन्हीं को यूज करती है, जैसे कि ये प्रीमियम है, इसमें आपको कुछ पेड करना पड़ेगा, और ये डवंची है, प्राइम, दोनों है, यानी कि फ्री भी है, फ्री यूज कर सकते हो। कुछ फीचर्स ने लॉक रखे हैं जिससे कि आप पेड में यूज कर पाए। फिल्मोरा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, सो इतनी स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, पर ये चलता है बहुत अच्छा, अगर इसको सीख लो, इजी बहुत है ये फिल्मोरा पीछे के लिए। डवंची थोड़ा कलर ग्रेडिंग में अच्छा होता है, और एडम प्रीमियम प्रो, इनमें नौकरी भी मिलती है, इन्हीं से नौकरियाँ मिलती हैं, अगर इनको सीख लो तो इन्हें प्रोफेशनल नौकरी मिलती है एडिटिंग के मामले में। सो फ्यूचर में इसका बहुत स्कोप है। पाँचवा नंबर है गेमिंग का, इसका जब आपको बड़बड़ाना बहुत आता है, बक बक बहुत करते हैं ऐसे लोग, तो गेमिंग में कुछ नहीं है, शुरुआत में एक पीसी ले लो, नहीं है पीसी तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन से ही ये सब कर पाओगे। किससे कर पाओगे, फ़ोन से, ये सारा कुछ मोबाइल से हो जाता है भैया आजकल, तो उन गेम्स को प्ले करके आप लाइव चला सकते हो। सो बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ तुमको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आपको इस टॉपिक पे बहुत सारा पैसा है, गेमिंग में है पैसा, आप उसी के लिए है जो बोलना बहुत जानता है, जिसके स्पीकर लाउडली स्पीकर है, अच्छे से बोलता है, खुली गालियाँ देता है, खुले तरीके से सब कुछ माँ बहन करता है, उसके लिए ये गेमिंग बहुत अच्छा है। अब आते हैं कुकिंग। कुकिंग देखो, फेसलेस चैनल ये भी है कुकिंग का, इसमें एक मोबाइल की ज़रूरत है, समझ रहे, और एक एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत है, अगर है तो, नहीं तो इनकी ज़रूरत नहीं है माइक की, ये सिर्फ मोबाइल होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वो चीज़ आप रिकॉर्ड करते जाएं, अपलोड कर दें, तो इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ है। इसमें ये चीज़ जरूर बताएं, इससे हेल्दी डिफरेंट करने के लिए ये कर सकते हो कि ये हेल्दी रहता है, ये नॉन हेल्दी रहता है, है? तो इस तरीके से आप थोड़ा एडवांस बना सकते हो, जो नहीं बनाते हैं तो इसी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। सातवें नंबर पे आया है ये रिलेशनशिप सॉल्विंग, ये काफ़ी अच्छा है टॉपिक, रिलेशनशिप सॉल्विंग, आजकल ये प्रॉब्लम ट्रेंडिंग में है, ये प्रॉब्लम ट्रेंडिंग में चल रही है और आगे भविष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसके आप गुरु बन सकते हो। क्या बन सकते हो, गुरु बन सकते हो भैया, तो ये गुरु बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी तो गुरु बन पाएंगे, आप इसमें फंसे हुए हैं तो क्या गुरु बन पाएंगे। तो रिलेशनशिप में कैसे क्या बनेगा, इसमें आपके आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, कोयरा पे मिल जाएंगे, जो रियल होते हैं, समझ रहे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, समझ गए, एफ बी पे ये चीज़ें मिल जाती हैं। सो पढ़ना पड़ता है कि पहले ये सीखो कि जैसे कि लड़की है, तो लड़की के अंदर क्या क्या कमियाँ होती हैं, वो किस तरीके से बिहेव करती है, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती हैं। और एक लड़का होता है, वो हमेशा क्या गलती करता है, और हम अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए क्या क्या करें, सो ऐसे आइडियाज आपको देने पड़ते हैं, सो लोग देखते हैं, समझ रहे, अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए क्या कह सकते हैं। नंबर पे आते हैं ये बिहाइंड द स्क्रीन, सॉरी बिहाइंड द सीन्स क्रिएशन, सीन्स क्रिएशन होती है भैया, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे मूवी, कोई न्यू मूवी आई,
न्यू मूवी आ गई। अब न्यू मूवी में ये आपका ओल्ड सॉरी ये तुम्हारे मूवी का सीन्स रहा, ठीक है, ये तुम्हारे मूवी का सीन्स है, ये बिहाइंड सीन्स है। ये लोग जानना चाहते हैं, जब मूवी देख ली, देखने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं, जब आपने ये वीडियो डाला, ये मिल जाता है बाद में आपको यूट्यूब पे, तब आप ये कहेंगे कि ये जो इस जगह की वॉइस ओवर करके, जब जैसे उसको डाउनलोड कर लेंगे मूवी को, फिर तो आपको मूवी मिल जाएगी। फिर आप ये यहाँ पर वॉइस ओवर अपना करके देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वॉइस ओवर करेंगे, तब आप बोलेंगे कि आपने ये वाली जो मूवी देखी थी वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे जो सीन्स हुआ है, यहाँ ये ग्रीन आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन सॉफ्टवेयर से हटाई गई है, और इनके कमर में और इनके भी कमर में दोनों के सीन में क्या बने, धागे से बंधे हुए थे, और किस तरीके से कितनी मेहनत पड़ती है तब जाके ऐसे सीन्स क्रिएट होते हैं, जैसे लोगों को दिखाना पड़ता है तब लोग समझते हैं हाँ क्या ऐसे बड़ा मुश्किल में बनता है, बहुत तो मेहनत पड़ती है, तो इस तरीके से लोग जानना चाहते हैं और इंटरेस्ट बढ़ता है देखने में। तो इस तरीके से VFX कह सकते हैं उनको, सो बिहाइंड द सीन क्रिएशन होता है ये, पीछे जो हुआ है, मूवी बन चुकी है उसके पीछे कैसे कैसे कार हुए हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हो ऑडियंस के सामने। नौवे नंबर पे आता है मिस्टीरियस नेशन होता है भाई, रहस्यमयी वार्तालाप। आपने ऐसे ये चीज़ें सबसे ज़्यादा फेसबुक पे चलती हैं, रहस्यमयी वार्तालाप, जैसे कि एक चैनल ऐसा बनाए जहाँ पर दिलचस्प कहानियाँ, ठीक है, दिलचस्प कहानियाँ देखो ट्रेंडिंग में भी रहती हैं, घटनाएं हो जाती हैं या पिछली घटनाएं हो गई उन पे चर्चा नहीं हो रही है, हैं अपने भारत में या अन्य कहीं देश में या अन्य कहीं किसी भी जगह, वहाँ की दिलचस्प कहानियाँ हैं वो तुम ला सकते हो, रहस्यमयी कथाएं या कुछ ऐसी कथाएं जैसे कि समुद्र में कौन सी मछली क्या करती है, उनका क्या कार्य होता है, सो रहस्यमयी चीज़ें हैं ये, उनको कहानी रूप में लोगों के सामने रख सकते हो। और पिक्चर वीडियो तुम कहाँ से ला सकते हो, तुमने बताया वीडियो कहीं से उठा सकते हो, साइलेंट करो उसको, क्या करना है, साइलेंट करना है, और एडिट में किसी भी वीडियो को एडिट फॉर्म में जाओ और उसकी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर दो, क्या कर दो, एक्सट्रैक्ट कर दो, ऑडियो अलग हो जाएगी, ऑडियो अलग हो गई और वीडियो अलग हो गया, ये दोनों जब अलग हो जाएंगे तब आपको क्या करना है, उस पर आपको वॉइस ओवर करनी है, ठीक है, वॉइस ओवर करेंगे तब आप बोलेंगे बिना चेहरा दिखाए, यानी फेसलेस चैनल होगा, इसमें आप जिज्ञासा बढ़ाने वाली चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं जिसमें लोग रोचक हो, समझ रहे। दसवां है साइंस एक्सपेरिमेंट, ये आपको टॉपिक दिख रहा है साइंस एक्सपेरिमेंट, इसमें एक लड़की जैसे कि ये साइंस एक्सपेरिमेंट करती है, जैसे कि भैया ये मिला दो तो क्या हो जाएगा, पानी में ये मिला दिया तो क्या हो गया, ठीक, तो ये चीज़ें होती है ना एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट चैनल बहुत सारे चैनल हैं जो बहुत लाखों रुपए कमा रहे हैं, अभी करंट में एक्सपेरिमेंट जो है दिखा रहे हैं, क्या नाम है उन सर का, फोटो लगा दूंगा, याद नहीं आ रहा। तो विज्ञान का प्रयोग करिए, और आजकल प्रैक्टिकल का ज़माना है तो यहाँ पर सिद्धांत पूर्ण दुनिया को सिद्धांत बातें चाहिए, सिद्धांत फार्मूले चाहिए, सब चीज़ चाहिए सिद्धांत पूर्ण, तो वो ऐसी शिक्षात्मक स्थलों में की जाती हैं, और या तो फिर आप घर पे कर सकते हैं। शिक्षात्मक इसलिए बता रहे क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा ख़तरनाक होती हैं, तो क्या प्रयोगशालाएं, अब लेकिन तुम प्रयोगशाला एडवांस हो, अपने घर पे ही छोटी छोटी करते हो तो ऐसा बना सकते हो, घर पे ही लोग करते हैं, वहाँ जाकर कौन करता है। तो ऐसे साइंस एक्सपेरिमेंट में भी आप बहुत सारा पैसा छाप सकते हो, लेकिन जिस टॉपिक पे मैं एक टॉपिक चुन लिया तो उस टॉपिक में दूसरे मुड़ के मत देखना, उसी पे काम करना। ये टॉपिक काफ़ी स्मार्ट है और जल्दी ग्रो करने वाला है। 11वें नंबर का कॉपी पेस्ट एंड ट्रेंडिंग, भाई कॉपी पेस्ट ट्रेंडिंग क्या करना है, देखो कॉपी पेस्ट वो होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक देखना पड़ता है। ये ट्रेंडिंग टॉपिक देखोगे, अब टॉपिक मिलेगा कहाँ से, ट्रेंडिंग मिलेगा तुम्हारा FB से, ठीक है, और इंस्टाग्राम से मिलेगा, और तुम अगर YouTube पे चैनल्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिससे तुम्हें पता लग जाएगा। तो ऐसे करके जब भी सबसे ज़्यादा ये चीज़ें Facebook पे रहती हैं ट्रेंडिंग पतन, और इंस्टा पे, समझ रहे। तो जब भी ये तुम्हें दिख जाए कि ये आजकल ये ज़्यादा वायरल हो रहे हैं तो उनका ही वीडियो पकड़ो और डाउनलोड कर लो भैया। अब डाउनलोड करना तो आता ही होगा, वीडियो एडिटिंग में जाएंगे
और वहाँ से आपको अपना वीडियो एडिट करना है, वॉइस ओवर करना है अपने हिसाब से। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मेरे शब्द हैं, इनमें आप कुछ चैनल, जैसे कि आप कुछ चैनल क्या अपनी मर्जी से, फेसबुक इंस्टा प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जो भी चल रहा हो फेसबुक इंस्टा से, उसको कॉपी करना है। और फिर क्या करना है, फिर तुरंत उसको एडिट करना है। फिर क्या, अपनी वैल्यू जोड़नी है। जैसे अपनी वैल्यू कैसे जोड़ेंगे, अब अपनी वैल्यू पता भी नहीं है उसमें क्या जोड़ दें, तो आगे देखो उस वीडियो में क्या चीज़ गलत है। भाई ये तो दिख रहा होगा कि ये चीज़ गलत है, ट्रेंडिंग में कोई बात कह दी तो उसे पता लग जाएगा भाई ये चीज़ गलत है वो सही है। अब क्या सही है उस समाज में, क्या करना है, जो सही है और तुम्हें लग रहा है ये सही है, तो उस समाज में क्या करो, उसको और बढ़ावा दो, यहाँ बिल्कुल सही है, और जो चीज़ गलत है उसको और ज़्यादा डिग्रेड करो, समझ रहे भैया, ये गलत है गलत है। तो ऐसा करके आपका अपना कंटेंट, अपनी राय हो गई। तो जब अपनी राय हो गई तो ऐसे वीडियो तुम एडिट करोगे, वीडियो एडिटिंग में जो ऊपर बताए थे मैंने आपको, जितने भी ऐप, इतने ही ऐप होते हैं ज़्यादातर यूज यही करते हैं, तो इनमें जा करके अपनी वॉइस ओवर कर दोगे, तुम्हारा ये कॉन्टेंट हो जाएगा, सो कॉपी पेस्ट कहलाएगा। ये कॉपी पेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, सो ज़्यादा वायरल होते हैं, और ये तुम्हारा ही खुद का वीडियो होगा। तो बस मैंने कहा कि सही का सही, गलत का गलत, इतना करना है। गलत बात होगी भैया गलत है, सही होगी सही है, बस वो ट्रेंडिंग कॉपी किया और एडिट किया और अपनी वॉइस ओवर की और देन कॉपी पेस्ट डाउनलोड और वायरल। सो इस तरीके से आपको करना है। ऐसा करके बहुत सारे लोग जल्दी से जल्दी पैसा कमाते हैं, वो तो आपने देखे ही हैं। सो ऐसा करके बहुत सारे चैनल्स हैं, आइडियाज ले सकते हो। ये तुम्हारा 12 नंबर है। यहाँ पे कंपेयर प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री, तो ये क्या चीज़ है, इसमें ये अभी प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं बना रहा है, समझ रहे हो, प्रेजेंट टाइम में ये कोई नहीं बना रहा है। एक दो मैंने चैनल देखे थे जो वर्तमान समय में, ये जो वर्तमान समय है हमें अतीत के समय में तुलना करनी है, और वो भी हिस्ट्री से, क्योंकि जैसे आज का जो युग है वो कितना आधुनिक है और पिछला कितना आधुनिक था, वो चीज़ आपको देखनी हो। ये दोनों आर्टिकल आपको गूगल पे सर्च कर लेने, एक ही टॉपिक से संबंधित। ऐसा व्यक्ति करने वाला कैसा होगा, थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका माइंड पिछले इतिहास को देखेगा, जो अनुमान लगाएगा सिर्फ रीड करके यानी पढ़ के, और आज का आधुनिक फ्यूचर प्लान करके, फ्यूचर प्लानिंग जो हो रही उनको समझ के आपको वीडियोज बनाने हैं, हाफ वीडियोज, एक में दिखाना है कि पास्ट और एक में दिखाना है प्रेजेंट। तो ऐसा करके आपको आधा आधा चलाना, तब समझाना है। तो लोग ऐसा इंटरेस्ट करते हैं, यार पिछला ज़माना बहुत बढ़िया था, आज का ज़माना कुछ नहीं। तो जो चीज़ आज की अच्छी है वो पिछले में कमी बताओ, और पिछले की अच्छी है तो आज की कमी, मतलब ऐसी चीज़ें जब बनाओगे तो ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों को ज़्यादा पकड़ोगे, उनको हाईलाइट करोगे। तो ये समझ लो, वैसे भी मोदी जी पीछे पड़े हैं कि भैया क्या बनाना है भारत को, पर्यटक, तो पर्यटक में भी तुम शामिल हो जाओगे, तुम्हारा चैनल भी शामिल हो जाएगा कि भैया सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने आपको ये दिखाए 12 आपको टॉपिक, तो इन टॉपिक में आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगा उस टॉपिक पे जा सकते हो। किसी चीज़ की अगर दिक्कत है तो हमसे बात कर सकते हो, और वीडियो एडिट करने के लिए आपको यही सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, सो इन्हीं पर आपको वर्क करना पड़ता है, और इन्हीं सारे सॉफ्टवेयर पे आप सीखिएगा। शुरुआत में आप अपने मोबाइल से कार्य करिएगा, इन्हीं से, और सभी इन्हीं से करते हैं, मैं भी इन्हीं से अभी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। तो ऐसे करके आप इनमें से कोई भी टॉपिक चुन सकते हो और अपना 2024 में चैनल बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।